Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, today our topic is application of partial differential equations. Dear students, से पहले हम differential equations के applications के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है? आज हम partial differential equations के बारे में पढ़ेंगे, जो almost उस जैसी ही है आपके पास, क्योंकि दोनों differential equations ही हैं आपके पास, तो almost दोनों की जो uses हैं, वो भी एक जैसे हैं, almost. So lecture को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आपने Asad Mathematics के नाम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो को वहाँ पे मिल सके. लेट आई स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को. सो एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास जो है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ यूज्ड टू मेडिसिन इन मेडिसिन फॉर मॉडलिंग कैंसर ग्रोथ द स्प्रेड ऑफ ए डिजीज़, ठीक है? डिफरेंट मेडिसिन की मॉडलिंग में आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज़ किया जाता है, या आपके पास डिफरेंट आपके पास जो क्या कहते हैं डिजीज़ की स्प्रेडिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी उसकी के लिए भी मॉडलिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है? डिफरेंशियल इक्वेशंस को यूज़ करके, ठीक है? आपके पास जो सेकेंड आपके पास की यूज है, दे आर यूज इन इंजीनियरिंग फॉर डिक्रीजिंग द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? इंजीनियरिंग में भी काफ़ी हद तक इसको यूज़ किया जाता है, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. इन केमिस्ट्री, दे आर यूज टू मॉडलिंग ऑफ केमिकली रिएक्शंस एंड टू रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ, ठीक है? डिफरेंट जो केमिकली रिएक्शंस होते हैं आपके पास, उसकी इक्वेशंस में भी आप में भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज़ किया जाता है. इन फिजिक्स, यूज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ वेव्स एंड एंड इन डिफरेंट लॉज ऑफ फिजिक्स, जो आपके पास जो क्या कहते हैं फिजिक्स में हैं, तो डिस्क्राइब मोशंस ऑफ वेव्स, मोशन ऑफ वेव्स में और आपके पास फिजिक्स के डिफरेंट लॉज में आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को यूज़ किया जाता है. इन इकोनॉमिक्स, यूज टू फाइंड द ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज में भी आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को यूज़ किया जाता है, ठीक है? इट प्रोवाइड्स शेप्स एंड इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिज़ाइन ऑफ मशीन, डिफरेंट जो आपके पास मशीन्स होते हैं उनके एक्सटीरियर इंटीरियर डिज़ाइंस को मतलब मॉडिफाई करने के लिए, उसके शेप्स को बनाने के लिए भी आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज़ किया जाता है, ठीक है? सेवन्थ नंबर आपके पास है, इट इज़ आल्सो यूज इन दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी के लिए भी आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज इन क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर, डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको क्रिएटिंग उसके क्रिएशन के लिए भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन को काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता है. तो ये तो चंद आपके पास जो यूज़ थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के, उसको हमने डिस्कस किया. इसके अलावा भी काफ़ी इसके ज़्यादा यूज़ हैं, लेकिन कुछ आपके जहन में होने चाहिए कि आपके पास कोई भी पूछ सकता है आपके पास के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशंस की यूज़ आपके पास डेली लाइफ में क्या है, तो उसको हमने आज इस अपने लेक्चर में सरसरी डिस्कस किया. तो ब्रीफली उसकी डिस्कशन थी, उम्मीद है आपको उसके काफ़ी हेल्प इसके से मिली होगी, ठीक है? लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें.